शैतवान रजिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ काफिला इखलास में। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है, मैं साउथ इंडिया के स्टेट तमिलनाडु तिरची में हूँ। आप सबको पता है कि तिरची में दादा का दरबार है और दादा का संदल है, आज था आज फजर के करीब करीब संदल लगाया जाता है, तो आज संदल हो चुका है दादा का। लाइव कवरेज मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मसरूफियत भी होती है और क्राउडेड भी होता है एरिया, तो वहाँ पर मैं बात नहीं कर सकूँगा और दिन से समझा नहीं पाऊँगा, इसीलिए लाइव कवरेज नहीं करा। मैंने रिकॉर्डिंग किया हूँ, बस उस रिकॉर्डिंग के साथ में अपनी कुछ बात कह के मैं आप सबको संदल, क्योंकि दादा का संदल भी थोड़ा अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल अलग तरीक़ा है। देखिए, असल में फ़कीरों की जामा कहा जाता है, जिसे मलामती गुरु भी कहा जाता है। शरीयन बहुत सारे बहुत कभी कभार तफसील से मैं इंशाल्लाह ये मलामती गुरु के ऊपर मैं बात करूँगा। उलमा के फतवे भी हैं और बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, कभी डिटेल से मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये मलामती ग्रोह है क्या। असल में मलामती ग्रोह की पांच जामा हैं, पांच जमातें हैं। एक जमात है बानवा, एक जमात है जलाली, एक जमात है रिफाई, एक जमात है तबखाती और एक जमात है मलंग। इन ये पांचों जामा जो हैं, रमज़ान की चांद रात को ही जैसे आलम बुलंद किया जाता है, वो यहाँ पर आकर के दादा के दरबार में बैठ जाती है और इनके सरगुरु होते हैं, पांचों जामा के सरगुरु होते हैं, जो बाकायदा उनके आस्थाने पर वो बैठे हुए होते हैं। ये 40 दिन तक बैठते हैं। संदल तो 14 की रात को गुस्ल दिया जाता है तावीज़ को और 15 के फजर के करीब करीब संदल लगाया जाता है, लेकिन ये लोग चांद रात को आ जाते हैं रमज़ान की और ईद के 10 दिन तक बैठे रहते हैं ये फ़कीर। मैं इंशाल्लाह उनके बैठने की जगह और उनके मकामात भी बताऊंगा आपको वीडियो में, तफसील से मैं उसके बारे में भी बात करूंगा इंशाल्लाह। तो असल में संदल क्या और कैसे लगाया जाता है बोले तो, ये जो मुजावर जो हैं यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं दरगाह के, बाबा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह 1556 में जब बाबा हज़रत सैयदना खादर वली और शाहुल हमीद नागुर जब यहाँ आए थे, तो यहाँ पर जो खादिम थे, यहाँ के जो खिदमत गुजार थे, उनका नाम था हज़रत सैयदना गयासुद्दीन रहमतुल्लाह। ये आपको मैं उनकी मज़ार दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। दादा के दरबार दरवाजे बुलंद दरवाज़ा, मतलब जो मेन दरवाज़ा है पैर के पास, उस दरवाज़े को जाने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये दरबार है बाबा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह। इनके 12 बच्चे थे, वो 12 जो बच्चे थे आज वो 12 बड़े ख़ानदान हो चुके हैं। ये हैं हज़रत सैयदना बाबा गयासुद्दीन खज़रा सलाह अज़ीज़, जो पैर के पास दादा का जो दरवाज़ा है उसके सामने। ये हैं बानवा जामा के सदगुरु, सदगुरु यानी हेड ऑफ़ दी जमात। ये एक चेम्बर जैसा बनाया हुआ रहता है, ये कहीं 100 साल पुराना एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है, सॉरी पत्थर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इनके सदगुरु बैठते हैं। जामापुरी जो होती है वो इनके पास में जगह होती है, वहीं पर पूरी जामा बैठी रहती है। ये अपने उनके जो सदगुरु होते हैं वो यहाँ पर अपने मुराक़बा अपने जिक्र के अंदर सारी रात उसी में वहीं पर रहते हैं। 40 दिन तक जब तक जामा यहाँ रहती है तो इनके सदगुरु जो हैं वो वहीं पर बैठे रहते हैं, उसी में बैठे रहते हैं। ये है तबखाती जामा। तबखाती जामा जो है असल में ये लोग मखनपुर से आते हैं, यूपी मखनपुर। तबखाती जामा जो है हज़रत सैयदना जिंदा शाह मदार दम मदार बेड़ा पार जो नारे लगाते हैं ना, ये वहाँ से आते हैं। ये तबखाती जो है ये उनसे मिलता जाता है। ये है मलंगों की जामा। असल में यहाँ पे कभी भी कपड़ा उड़ा हुआ रहता है मलंग के सामने, जो मलंग 9 दिन से जो खाना नहीं खाते वो मलंग के सामने कपड़ा लगा हुआ रहता है। बस मग़रिब के वक्त थोड़ी देर के लिए ज़्यारत के लिए खोलते हैं, तो ये सामने जो मलंग बैठे हुए हैं सफ़ेद लिबास में, ये 9 दिन से खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ संदल लगाने के लिए यहाँ पर आकर बैठे होते हैं और इनके पैर पर रस्सी बांधी हुई होती है जिसके ऊपर सील लगा दी जाती है।
ताकि कोई बात आगे पीछे ना हो। ये है जलाली जामा और ये जो सामने बैठे हैं जलाली जामा के सरगुरु हैं। और ये है आखिर में रिफाई जामा। असल में संदल लगाने के लिए ये जामा नहीं जाती है, मैं इसकी तफसील बाद में बताऊंगा। सिर्फ चार जामा ही संदल लगाने के लिए अंदर जाती है। आप हैं रिफाई जामा के सरगुरु। जो ख़ानदान वाले जो खादिमों के ख़ानदान वाले जो होते हैं ये आकर के सारे दरबार के अंदर होते हैं और ये जो पांचों जामा के जो सरगुरु होते हैं वो अपनी जामा को लेकर के उनका एक तरीक़ा होता है अंदर आने का, तो वो संदल लेकर के अंदर आते हैं जिसमें मलंग, जिसके मैंने पिछले वीडियो में आकर के मैंने उनके बारे में जिक्र भी किया था, उसमें वो मलंग भी होता है जो 9 दिन से खाना पीना बंद कर कर बैठा रहता है अपने आस्थाने में और वो संदल लगाते हैं दादा के दरबार। तो आइए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ उनके ये कैसे जाते हैं सब लोग, किस तरह संदल लगाते हैं। शॉर्ट सी वीडियो बनाया मैंने संदल के मुताबिक, देखते रहिए इंशाल्लाह। छोटी छोटी तफसील दादा के बारे में एज आई टोल्ड इज़ अ मिस्ट्री, उनके बारे में कोई मुकम्मल बात करना या फिर एकदम 10-15 मिनट में बात करना या आधे घंटे में बात करना ये नामुमकिन है, तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी तफसील बताता रहूँगा आपको। तो इंशाल्लाह आप मुझे फॉलो करें, बाकी की वीडियो मैं दिखाऊंगा और उसके साथ ही साथ मेरी कॉमेंट्री भी। ये बानवा जामा है। बानवा जामा का थोड़ा मर्तबा बड़ा है और इनका थोड़ा तरीक़ा भी मुख्तलिफ रहता है। दादा की पीठ की तरफ का जो दरवाज़ा है उसे बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का दरवाज़ा कहा जाता है। ये लोग उस दरवाज़े से, इनके जो सरगुरु होते हैं वो इनको लेकर के इस दरवाज़े से दाखिल होते हैं। सबसे पहले यही लोग दाखिल होते हैं। तो ये है बानवा जामा। ये है मलंगों की जामा। अब जो बाकी के जो तीन जामा हैं वो मेन दरवाज़े से ही अंदर जाएंगी। जामे जो हैं वो मेन दरवाजे से बाहर निकलेंगी। ये सबसे पहले बानवा जामा निकल रही है। इनके सदगुरु की जो मुट्ठी होगी वो बहुत टाइट होगी और बहुत हिफाजत से लेकर यहाँ से जाएंगी क्योंकि उस हाथ में संदल लगा हुआ रहेगा, तो लोग कोशिश करते हैं वो संदल लेने की। इसलिए देखिए ये जो लास्ट में जा रहे हैं ये सदगुरु हैं, इनकी मुट्ठी एकदम बंद रहेगी। जितने भी सदगुरु आएँगे यहाँ से ये मुट्ठी की बहुत हिफाजत करेंगे। ये है बानवा। इसके बाद अभी मलंग निकलेंगे बाहर। वो मलंग जो मैं बताया था आपको कि 9 दिन तक ये खाना नहीं खाते, मैं उनके ऊपर मार्क करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उनके भी हाथ देखना मुट्ठी एकदम बंधी हुई रहेगी। Yeah, but come on.
ये हैं वो मलंग जो 9 दिन तक खाना पीना बन करके बैठे रहते हैं संदल की तैयारी में। अभी जो जामा आएगी इसको तबखाती कहते हैं। ये हज़रत सैदना जिंदा शाह मदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ की जामा है। अभी जो बाहर निकलेगी वो वाली जामा। यहाँ देखिए लोग संदल छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से जामा वाले आएंगे तबखाती जामा वाले लोग देखिए उनके हाथ में हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी एक शॉर्ट ब्रीफ दादा की संदल की। इजाज़त दें अगले वीडियो के लिए इंशाल्लाह। أشهد أن محمدا رسول الله.